ये वाकया है इंडिया के शहर राजस्थान का, जहां एक मुर्दा शमशान घाट में उठ खड़ा हुआ। ये वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। भारत के एक दूर दराज इलाके में एक दिलचस्प कैफियत इस वक्त पैदा हो गई, जब मुर्दा करार दिए गए एक बूढ़े ने ऐन आखिरी रसूमात के दौरान आंखें खोली और उठकर बैठ गया। 95 साल बुद्राम राजस्थान के एक छोटे से गांव बख्तनवाला की धोनी का रहायशी था। हफ्ते की दोपहर इसके सीने में दर्द उठा, जिसके कुछ देर बाद वो बेहोश हो गया। अहले खाना ने भाग कर डॉक्टर को बुलाया तो उसने बुधराम को मुर्दा करार दे दिया। जब अहले खाना को इसकी खबर हुई तो उन्होंने आखिरी रसूमात के लिए पंडित को बुलाया। इस दौरान खानदान के मर्दों ने अपने सर भी मुड़वा दिए और बुधराम की लाश को आखिरी गुसल के लिए शमशान घाट ले गए। जैसे उस पर ठंडा पानी डाला गया तो उसने अचानक आंखें खोली और उठकर बैठ गया। इसके बाद बुधराम खड़ा हो गया और लोगों से बात करने लगा। ये मंजर देखकर तमाम लोग हैरान रह गए। बुधराम अपने खानदान के सरबराह हैं और इस खबर से उसके अहले खाना बहुत खुश हैं और कहते हैं कि उनके जिंदा रहने से दिवाली की खुशियां दो बाला हो जाएंगी। ताहम डॉक्टर की जानिब से बुधराम को मुर्दा करार देने की वजह मालूम नहीं हो सकी। ये शायद वो कोमे में जाने वाले इस शख्स को गलती से मुर्दा करार दे दिया। ऐसी हैरान कुन वीडियो जिसमें एक मुर्दा जिंदा खड़ा हो गया। बराए मेहरबानी ये वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें।